हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आर्मी पब्लिक स्कूल के करंट अफेयर्स वाली सीरीज़ को हम लोग जारी रखेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना है। तो चलिए, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 7th एशियन इंडियन मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई है। देखिए, सबसे पहले एशियन कंट्रीज किसे कहा जाता है, आसियान कंट्री भी कहा जाता है इसे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे टोटल जो कंट्रीज़ की संख्या है, यहाँ से आप फ्लैग देख लो उनका, वियतनाम, म्यांमार, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, लाओस, इंडोनेशिया, कोलंबिया, इसके अलावा ब्रूनी, ये सारे कंट्रीज जो है इसे मिलाते हैं आसियान। और ये जो इस्टेब्लिश हुआ था 1967 में बैंकॉक थाईलैंड में, इसका जो है फॉर्मेशन हुआ था, यहीं पे ये फॉर्म हुआ था। और ये ग्रुप करता क्या है, सदर्न एशियन नेशन का ये ग्रुप है, ये रीजनल ग्रुप है जिसमें कि प्रमोट किया जाता है इकोनॉमिक्स को, पॉलिटिक्स को और सिक्योरिटी, जो कॉपरेशन है एक दूसरे के साथ, ये एक दूसरे के साथ ये करते हैं। 10 यहाँ पे एक टोटल कंट्रीज है जो कि आपस में मिलकर ये सारे काम को करते हैं। तो ये आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। द इंडियन नेशनल एसोसिएशन वाज इस्टेब्लिश्ड 1876, कभी यही पूछ दिया जाएगा। तो आपको ये बताना है कि किसके द्वारा ये किया गया था, नीचे कमेंट करके बताइएगा। मैं आंसर आपको बता देता हूँ, आनंद मोहन बोस इसका राइट आंसर है, लेकिन इनके साथ कोई और भी था, यानी कि उनका नाम आपको नीचे कमेंट करके बताना है। मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ आपके लिए कर दिया है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले आपको बता दूं, मेरे हैंड रिटन नोट्स 99 में आप एक्वायर कर सकते हो। yourmithunsinghat@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsinh। जी हाँ, नोट्स इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने आर्मी स्कूल खुद 3 बार एग्ज़ाम जो है इसे क्रैक करा है। और दूसरी बात, CSV के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्ज़ाम आपका नवंबर 5 और 6 को होने वाला है, यहाँ पे मेरे नोट्स से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। तो yourmithunsinh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsinh। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। मेरे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इन विच स्टेट द 14th एडिशन ऑफ वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस, ये जो है कहाँ पे हेल्ड होने वाला है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात या केरला में। तो देखिए, सारे आपको जो है नाम लगभग लगभग नीचे वाले दिख रहे होंगे, और ये देखो कहाँ पे होगा, 7th वर्ल्ड स्पाइसेस कांग्रेस जो होगा, ये होगा सिटी ऑफ ड्रीम, जिसे कहा जाता है मुंबई को। किसे कहा जाता है, मुंबई को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इन विच सिटी हैज़ पीएम मोदी इनोग्रेटेड द स्मार्ट कैंपस ऑफ बॉश इंडिया, तो ये बेंगलुरु में किया गया था। वेयर वाज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन मिनरल एंड मेटल इंडस्ट्री हेल्ड, तो ये न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम हैज बीन इनोग्रेटेड रिसेंटली, ये जो है माइग्रेशन को लेकर जो है ये सिस्टम काम करेगा, मॉनिटर करेगा, ये कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है, मुंबई में, न्यू दिल्ली में, चेन्नई में या कोलकाता में। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है, इंडियाज फर्स्ट माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम जो है महाराष्ट्र में किया गया है, जहाँ पे बच्चे और जो महिलाएं हैं उनके डेवलपमेंट मिनिस्टर वो यहाँ पे शामिल थे। तो ये चीज़ों को आप खास करके ध्यान में रखिएगा, ये महाराष्ट्र के मिनिस्टर हैं। अगर यूनियन मिनिस्टर पूछा जाएगा वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, तो आपको नाम याद रखना है स्मृति जुबैन ईरानी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ इनोग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट एनिमल हेल्थ समिट, तो पुरुषोत्तम रूपाला, इन्होंने जो है फर्स्ट, जो इंडिया की फर्स्ट एनिमल हेल्थ समिट है, इसका इन्होंने जो है इनोग्रेशन किया था। PM मोदी हैज़ इनोग्रेटेड डिजिटल इंडिया वीक 2022 इन विच सिटी, तो ये किया है इन्होंने, कहाँ पे, गांधीनगर में, कहाँ किया है, गांधीनगर में। चलिए, आपको याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, विच बैंक हैज़ won द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड फॉर DX 2021 C22, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र या कर्नाटका बैंक ने। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा, कर्नाटका बैंक ने ये अवार्ड रिसीव किया है। ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि पारदर्शिता बरती है, कोई भी हेर फेर वाला काम इन्होंने नहीं किया है। विच बैंक हैज लॉन्च्ड हाउस वर्क इज अ वर्क, पहले भी बताया, फिर से बता देता हूँ, एक्सिस बैंक। विच बैंक हैज अनवील द बैंक ऑन व्हील, HDFC, 2-3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, एग्जाम में भी आएगा, याद रखना आप। द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री हैव कंडक्टेड द टाइगर ट्रंप एक्सरसाइज, टाइगर ट्रंप एक्सरसाइज किन दो कंट्री के बीच में हुआ है। तो आर्मी और ये जो दो आर्मीज हैं, इंडिया और US के आर्मी ने मिलकर ये टाइगर ट्रंप किया हुआ है।
इंडियन नेवीज स्टेल्थ फ्रिगेट INS तर्कस हैज़ पार्टिसिपेटेड इन मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज विथ विच कंट्रीज नेवी, तो ये सूडान है, सूडान के साथ हम लोगों ने ये एक्सरसाइज करी है। इन विच स्टेट इज द ज्वाइंट एक्सरसाइज वज्र प्रहार बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका ऑर्गेनाइज, तो ये हिमाचल प्रदेश में किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और फाइनली लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, विच ऑफ दीज इंडियन म्यूजिक लीजेंड इज अ एक्सपोनेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट सितार, सितार बजाने वाले कौन थे, भीमसेन जोशी, रविशंकर या फिर अमजद अली खान या आला राखा, तो नीचे कमेंट करके इसका भी आंसर आप लोगों को बताना है। एक बार फिर से बता दूं, 99 रुपीज़ में आप मेरे हैंड रिटन नोट्स एक्वायर कर सकते हो, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए, इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें इस वीडियो को, धन्यवाद आप सभी का।